हेलो फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर फोर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का लेसन है इसमें हम कंस्ट्रक्शंस करना सीखेंगे राइट सो वी विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स मेनली हम क्वाड्रिलेटरल्स और ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे राइट स्पेशली क्वाड्रिलेटरल्स तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाडरी विल लर्न गिवन डिफरेंट मेजर्स एंड डिफरेंट एंगल्स ओके सो ये लेट एस डू एग्जाम्पल नंबर वन फर्स्ट ने ये वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर वन देखते एग्जाम्पल वन में दिया है कि हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हमें कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू का वैल्यू फोर सेमी दिया है वैल्यू सिक्स सेमी, ई पी एस का वैल्यू फाइव पॉइंट फाइव सेमी, ई आर एस इज फाइव सेमी, ई पी एस इज फाइव पॉइंट फाइव एंड पी आर इज सेवन यहां पर अगर हम आ, कौन सा साइड है और कौन सा डागोनल देखने के लिए एक रफ फिगर हम पहले बनाते हैं सो लेट नाउ फर्स्ट मेक अ रफ फिगर लेटस से मैं ये क्वार्रिलेट्रल ड्रा कर रहा हूँ ऑलवेज फर्स्ट ड्रा अ रफ फिगर टू गेट एन आइडिया चलो उसको हम लेबल भी करें तो मैं uh, अगर, chalo, मैं अगर चलो मैं पी क्यू आर एस अगर लूँ या चलो आई टेक पी क्यू आर एस ये क्वार्रिलेट्रल पिक्यू आर एस दिया है लेट्स लेबल ऑल्सो पिक्यू का वैल्यू फोर दिया है क्यू आर का वैल्यू सिक्स दिया है आर एस का वैल्यू फाइव दिया है यानी तीन साइड दिया है चौथा साइड पी एस या ये भी दे दिया है देखो फाइव पॉइंट फाइव दिया है, तो चार साइड दे दिया है ओके यूसी ये फोर साइड्स आपको मिल मिल गया पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस एंड एक डायागोनल यहाँ पे एक डायागोनल पी आर हमें दिया है सो तो पी आर इज़ सेवन तो ऐसा कंस्ट्रक्शन जब करना हो कि चार साइड और एक डायगोनल हमें दिया हो तो वेरी वेरी फर्स्ट वी वे आर गोइंग टू ऑलवेज ड्रॉ पहले ये ट्राइंगल हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे ने? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हम करेंगे सो लेट अस स्टार्ट देखो मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा आप देख सकते हैं ये डायग्राम में तो मैं पहले बेस क्यू आर ड्रॉ करने वाला हो तो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक बेस क्यू आर और राइट तो मैं क्यू आर का वैल्यू कितना है सिक्स सेमी तो आई एल टेक अ लाइन सेगमेंट और मैं लाइन सेगमेंट क्यू आर एक मिनट आई हैव टू या सो लेट मी ड्राई अगेन ओ ये बहुत थिक हो गया है ना कैन आई मेक इट थिनर लेट्स मेक इट थिनर ओके सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट इसको मैंने नाम क्यू आर देना है ना दिस इज लाइन सेगमेंट क्यू आर नाम ले दे देता हूँ और इसका मेजरमेंट है सिक्स सेंटीमीटर तो आर राइट सिक्स सेंटीमीटर यार अब मैं मुझे पी क्यू और पी आर का वैल्यू चाहिए तो मैं आँख लूँगा तो मैं क्या करूँगा पहले फोर सेमी मेरा कंपास में लेके एल्टे कंपास और मैं चार सेमी का माप लूँगा और यहाँ पे मैं आँख बनाऊँगा एलमेकन तो आँख यहाँ से मैं एक आंख लूंगा जेट से चार सेमी दूर पे मैं ऐसे यहाँ पे आंक लूंगा क्यू पे रख के मैं चार सेमी का आंख बनाऊंगा ऐसे ही अभी मैं आप में मुझे पी आर चे सेवन तो मैं आर पे रखूंगा सात सेमी माप लूंगा और ये कंपास में से यहाँ पे कट करूंगा और ये जो कटिंग पॉइंट जो है ये दोनों कटिंग पॉइंट पे ये पॉइंट आएगा मेरा पॉइंट पी सो आई गेट नाउ पॉइंट पी ओके अब मैं पी क्यू और पी आर को मैं ज्वाइन करूंगा आई एल ड्रॉ अ लाइन सो लेट मी ड्रॉ द लाइन मैं पॉइंट पी से चालू करके मैं पॉइंट क्यू टच करूंगा सेम वे मैं पॉइंट पी से चालू करके वापिस मैं पॉइंट आर तक में लाऊंगा सो यू सी ये पूरा मेरा ट्राइंगल इज कंप्लीट दिस ट्राइंगल इज कंप्लीट लेट एस नंबर लेबल इट ऑल्सो सो पी क्यू का वैल्यू कितना था फोर सेंटीमीटर आल राइट फोर सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू कितना है सेवन सेंटीमीटर है ना तो सेंटीमीटर तो ये ट्राइंगल हो गया अब सेम थिंग मैं वापिस एक आग ड्रॉ करूंगा तो मुझे पी एस फाइव पॉइंट फाइव है एंड आर एस फाइव तो मैं पी पे रख के फाइव पॉइंट फाइव सेमी दूर मैं आग ड्रॉ करूँगा पी पे रख के 5.5 सेमी दूर मैं एक से आकर ड्रॉ करूंगा एंड सेम थिंग आर पे रख के 5 सेमी माप लेके मैं वापस एक कट करूंगा और ये जो कटिंग का मीटिंग पॉइंट होगा मेरा पॉइंट एस देन अगेन मैं पी एस और एस आर को मैं ज्वाइन करूंगा बाय लाइन सेगमेंट सो मैं पी पे से चालू करके आई ड्रॉ लाइन दल एस एंड सेम वे मैं एस से चालू करूंगा एंड मैं आर तक एक लाइन लेके आऊंगा एंड लेट्स लेबल इट अगेन चलो जो बाकी है वो लिख लेते हैं सो पी एस इज 5.5 सेंटीमीटर और एस आर इज फाइव सेंटीमीटर यानी सी जब भी आपको ये चार साइड और एक डायगोनल दिया हो

चार साइड और एक डायगोनल हमें दिया है आ, हम एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं बिकॉज यहाँ पे पैरेलोग्राम हमें दिया है सो so, हमें पैरेलोग्राम एम ओ आर ई हमें कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ पे ओ आर सिक्स सेंटीमीटर आर ई फोर पॉइंट फाइव सेम ई एन ई ओ इस सेवन पॉइंट फाइव सेम ई दिया है ना सी ओ आर एक साइड है आर ई एक साइड है लेकिन ओ ई तो डायगोनल है यानी यहाँ पे एक्चुअली दो साइड और एक डायागोनल दिया है उसे ये साइड्स है और ये डायागोनल है लेकिन एक ही चीज है देखो सेम थिंग है पैरलोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं राइट इसे याद रखना इन पैरलोग्राम ऑपोजिट साइड्स आ इक्वल तो अगर मैंने ये पैरालोग्राम ड्रॉ किया रफ फिगर है सो सो के इफ आई नॉट इट्स नॉट क्लीन ऑलराइट चलो मैं नाम दे देता हूं यूजिंग अ डिफरेंट कलर एम एक काम करता हूं मैं ई ओ एस आई एन ऐसा करता हूं ओके चल डज मैटर एम ओ आर एन ई देखो ये चार साइड दिया है हमें ओ आर हमें सिक्स दिया है देखो यहाँ पे सिक्स दिया है तो ओ आर इज सिक्स सेंटीमीटर एंड आर ई 4.5 सेंटीमीटर दिया है एंड ई ओ हमारा डायगोनल भी दे दिया है देखो ये डायगोनल इज गिवन टू लेट मी टेक पिंक चलो ये डायगोनल हमें दिया है और डायगोनल का मेजरमेंट कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेमी सो यू सी अगेन देखो इन अ पैरलोग्राम अपोजिट साइड इक्वल है सो so, यहाँ पे अगर देखे तो अगर ये सिक्स है तो ये भी सिक्स है, right? ये, ये है तो ये साइड भी है तो नाउ सी आपको चार साइड और डायगोनल मिल ही गया है हम पहले क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम क्या फिल करेंगे राइट right? राइट right. सबसे पहले हम फिल करने वाले हैं ये ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल हम बिल्ड करेंगे ओ आर आर ई और ओई e का ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद ओए और एई एमी मैच करेंगे सो लेट्स स्टार्ट देखो सबसे पहले मैंने मैं लेने वाला हूं एक लाइन सेगमेंट ओआर राइट तो डायरेक्टली मैंने छह सेमी का लाइन सेगमेंट दिया ओआर सो आई विल लेबल इट ओके, सो दिस इज ओ आर सेमी का अब मैं क्या करूंगा मैं ओ सेवन पॉइंट फाइव पे कट करूंगा और आर ई फोर पॉइंट फाइव पे मैं कट करूंगा सो अस टेक मैंने लिया ओ पे रख के ओ पे रख के मैंने सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दूर मैंने यहां पे कट किया दिस इज वन कट ये आंख बनाया मैंने और सेम वे आर पे रख के 4.5 सेमी दूर मैंने दूसरा कट किया और ये दोनों का मीटिंग पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट ओ सॉरी पॉइंट ई तो दिस मेरा पॉइंट ई e. अब अगेन मैं ओ e और ओ एम आर ई को मैं ज्वाइन करूंगा बाय लाइन सेगमेंट तो आई स्टार्ट फ्रॉम ओ और वहां से मैं ई e तक लाइन सेगमेंट दिया तो ओ इज कंप्लीट सेम थिंग में अभी आर से ई या ई से आर मैंने लाइन सेगमेंट कंप्लीट कर दिया यानी यू सी दिस ट्राइंगल इज कंप्लीटेड चलो इसको लेबल कर लेते हैं तो आर ई e कितना था आर ई इज 4.5 पॉइंट फाइव राइट सो आई राइट फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ओ इज सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो ये ट्राइंगल हमारा बन गया वापिस हम 4.5 और 6 करेंगे ना 4.5 पॉइंट फाइव एंड सिक्स सो अगेन मैं यहाँ पे रखूंगा एंड मैं कट यहाँ पे करूंगा सो आई स्टार्ट फ्रॉम ओ से एम फोर पॉइंट फाइव यानी मैंने यहां या से ओ पे रख के फोर पॉइंट सेमी का लिया और यहाँ पे कट कर दिया और ऐसे ही ई पे रख के 6 सेमी का माप लेके यहाँ पे कट कर दिया और ये दोनों का मीटिंग पॉइंट जो मुझे मिला

हमें ये मिल गया बिकॉज सी ये अगर सिक्स है तो ये भी सिक्स ही है ना वी नो दिस ना कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो ये फोर पॉइंट फाइव तो ये भी फोर पॉइंट इज कंस्ट्रक्टेड ओके अब ये सम नंबर फोर है सम नंबर हमें रोमबस बीई एस टी कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज दिया है देखो बी दिया यानी एक साइड दिया है यहाँ पे एंड ई टी यानी एक डायगोनल दिया है सो हमें एक साइड और एक डायगोनल को यूज करके हमें रोमबस कंस्ट्रक्ट करना है तो जैसे रफ फिगर बनाते तो so, मैंने बी ई एस टी करके रोमबस बनाया और जैसे आप मैंने आगे बोला रोम्बस में सारे साइड्स आर इक्वल तो ये बी ई ई एस एस टी एंड बी टी ऑल फोर आर इक्वल मीन्स ये का माप 4.5 ही होगा राइट ऑल साइड्स अ इक्वल सॉरी ये 4.5 मैंने फुल्स अ फाइल लिख दिया सो इट शुड बी व्हाट 4.5 सेमी तो यू सी अगेन बहुत इजी हो गया ये वापस यू चार साइड और एक डायगोनल मिली गया ना हमें तो so, पहले हम कौन सा कलर करेंगे दिस राइट हम सबसे पहले ये ट्राइंगल हम बनाएंगे एंड आफ्टर दैट दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे ओके सो लेट स्टार्ट सी सबसे पहले मैंने आई ड्रॉ अ बेस राइट ये बेस का माप कितना है 4.5 सेंटीमीटर ये 4.5 सेमी का बेस है इसका नाम हम लेते हैं बीई दिस इज बी ई और उसका माप है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर राइट अब अब देखो वापिस एक डायगोनल और एक साइड हम ये लेंगे ना तो वापिस हमें बी टी लूंगा अनदर साइड लूँगा लेकिन इसके लिए पहले मुझे कट करना पड़ेगा ना हमें एक माप लेना पड़ेगा तो मैं बी पे रख के फोर पॉइंट फाइव सेमी का मैं माप लूँगा और मैं यहाँ पे कट करूंगा और ई e पे रख के मैं सिक्स सेमी का मैप लेके कट करूंगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे विल गेट द नंबर नाउ लेट अस ज्वाइन देखो मैं तुम्हें बी पेरक चालू करके लाइन सेगमेंट मैं बी टी बनाऊंगा सेम थिंग मैं अगर ई e रख के

और दोनों का मीटिंग पॉइंट को हम पॉइंट लेंगे एस राइट एंड अगेन हमने उसको ज्वाइन कर दिया टी से एस एंड एस से ई e या ई e से एस एंड ये हमारा रोमबस बन गया सी दिस इज नॉट अ वेरी नाइस रोम्बस थोड़ा ये झुका हुआ थोड़ा ऊपर होना चाहिए बट मैंने ये स्केल से नहीं किया मैंने रफ किया इसलिए आपको थोड़ा बहुत ये आरा टहरा दिखेगा ओके अदरवाइज जिस उसका भावार्थ आपको आ गया कि यू अंडरस्टूड बट आई टाइम टू डू ओके सो दिस इज अगेन फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड ये भी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है तो इसी एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन यहाँ पे कंप्लीट होता है ओके तो ईजी समझे आप ट्राई कर लेना